दोनों तो एक बार भी करवाएंगे तो निकल जाना ना बाइक वाला बाइक वाले तो निकल जाना। कितना एक्साइटमेंट है क्योंकि अब फर्स्ट टॉप टू में होना भी बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहोगे? ऑनेस्टली काफ़ी टफ रही है हमारी जर्नी एंड फाइनली हम लोग फिनाले में आ गए हैं। जिन्होंने हमें पीछे खींचने की कोशिश की थी आज वो लोग लड़ेंगे फिनाले में आने के लिए जो हमारे साथ खेले। काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड या बेस्ट पार्टी है कि जशवंत मेरे साथ है। फीलिंग एक्साइटेड। पूरा विल्ला हमारे अगेंस्ट था एक पॉइंट पे। सोच सारे 30 कंटेस्टेंट्स थे ऑलमोस्ट और सब लोग हमारे अगेंस्ट थे लेकिन उनको बीट करना और यहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है। आपने अभी एक रिसेंट एपिसोड में कहा था मेरी गलती भी यहाँ है और मेरे जो लाइफ का बेस्ट पार्ट है वो भी यही है। सो अगर मैं जर्नी का जो पूछूं तो ऑर्डर था बेस्ट पार्ट ऑफ जर्नी, मतलब जो बेस्ट चीज़ें जो आपने की और व्हाट वाज़ द वर्स्ट पार्ट जो आपने फेस किया पूरे जर्नी के दौरान? बेस्ट पार्ट मैं ये बोलूँगी कि जब जशवंत को मैंने चूज़ किया एज अ पार्टनर जिसके साथ मुझे ये पूरी जर्नी खेलनी थी एंड एक बार भी मुझे डाउट नहीं आया कि नहीं मैं मेरे लिए सही इंसान नहीं है या फिर मैं इसके साथ नहीं खेल सकती आगे जर्नी। बट बेस्ट पार्ट मेरा यही रहा कि मैंने जशवंत को चूज़ किया एज अ पार्टनर। एंड वर्स्ट तो मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि जशवंत मेरे साथ था और कभी कुछ वर्स्ट हुआ ही नहीं उसके रहते हुए। उसने हमेशा मेरे डाउन, मतलब जब भी मैं गिरती थी वो हमेशा मुझे उठा लेता था। वर्स्ट मैं ये बोलूँगी कि एक चैलेंज आया था कोर्ट रूम वाला जहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी, मेरे लिए काफ़ी चीज़ें पर्सनल चली गई थी एंड ऑनेस्टली बताऊँ कोई भी लड़की इतनी सारी पर्सनल चीज़ें नहीं झेल पाती है एंड बट मेरे साथ जश था जिसने मुझे बूस्ट किया, मोटिवेट किया। तो या वो मेरा पार्ट था जहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुई थी। काफ़ी कुछ देखने को मिला आप लोगों को पूरे जर्नी में। हाँ, और फाइनली आप लोग किसी को फिनाले लेके फाइनल ग्रैंड फिनाले में पहुँच चुके हो, तो आप क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहता हूँ कि नो, सबकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कभी कभी हमने पहले आईडी मैच बना, फिर ऊपर गया जर्नी, फिर एकदम से नीचे गया, थोड़ा चैलेंज भी हार गए हम, लेकिन कोई बात नहीं, रीबाउंड इज व्हाट मैटर्स। तो हम लगातार चैलेंज जीत के हक से हम टिकट फिनाले जीते हैं। वेल, इसके अलावा आज आप कॉमेडी विद आकी के इसमें आए थे, कैसा लगा उनके साथ? मतलब कितनी बातें हुई है, क्या कहना चाहोगे? आपको हमेशा हमने इमोशनल होते हुए देखा है पॉडकास्ट, क्या यहाँ पे भी अंदर हमने ऐसा आने वाले एपिसोड में? नो वे, मैं आज कॉमेडी विद अक्की में इतना हंसी हूँ, मेरी जॉलाइन इतनी थक गई है, मैंने बोला मैं किधर आ गई हूँ। ऑनेस्टली बहुत फन था सेगमेंट एंड बहुत हंसाया उन लोगों ने, स्पेशली सनी मैम को। हम लोग आफ्टर द शो बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरे टाइप की सेगमेंट था, कॉमेडी इज लाइक माई थिंग और यहाँ आई वाज लाइक वेरी नेचुरल, वेरी इन माई जोन, तो बहुत अच्छा लगा। करेंगे टैग ऑफ वैम्प और दूसरा पपेट, इसके साथ सरवाइव करना बट स्टिल लोगों को प्रूव कर देना दैट दिस। ऑल्सो मैंने एक एपिसोड में देखा था जहाँ पे मिस्टर फैजू आया था, वहाँ पर बहुत खुश हो गई थी। हाँ, तो कहीं ना कहीं क्या था जेलिसी वहाँ आपको और क्या? और जेलिसी कुछ भी नहीं था, मैंने बोला जाके हग करो, हग से बोला जाके हग करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा फैन मोमेंट था। एक पपेट ये लोग बोलते हैं जो शो में है, वो शो के लिए बोलते हैं, अगर ऑडियंस मुझे वो बोलते हैं तो फिर थोड़ा दर्द लगेगा, लेकिन ऑडियंस इतना प्यार दे रहा है, इतना प्यार में कुछ आई कैन एक्सप्रेस इट, इट्स क्रेजी। माय फैन फॉलोइंग इज गॉन लाइक फ्रॉम मे बी लाइक 30K टू लाइक अ लॉट, हंड्रेड्स। सो आई लाइक द फैक्ट दैट द ऑडियंस इज लाइकिंग मी, दैट्स व्हाट मैटर्स। इवन अभी रिसेंट एपिसोड में मुनव्वर आया जहाँ पे आपने उन्होंने आप काफी क्विज दिए, आप दोनों को ही मिले वो चीज़, बट अभी तक पता तो नहीं उसका आपने क्या यूज़ किया, बट कुछ एनी हिंट्स के क्या उन्होंने रायता फैलाया आके? देखो काफ़ी अच्छी डील लेकर आएंगे, ऑनेस्टली बता रही हूँ, काफ़ी अच्छी डील थी, बट आप लोग शो देखो आपको पता चलेगा। ये डील से ज़्यादा वो लोग मैनिपुलेट कोशिश कर रहा था कि मैनिपुलेट हो जाए कि शायद रियलिटी शो रिलेशनशिप बाद में क्या होगा, अभी ले लो भाग जाओ पैसे के साथ। सो दैट वॉज द ब्यूटी, 10 लाख तो इतना भी नहीं है, बट यू नो इट्स द मैनिपुलेशन विच काउंट्स, कि शायद ये सच नहीं है, शायद ये प्यार सच नहीं है। एंड फिर आप बोल रहे थे कि वैम्प वाली बात आती है, तो आई डोंट थिंक सो मैंने वैम्प वाली चीज़ें कुछ भी शो में की थी। मैं शो को लेके काफ़ी ऑनेस्ट थी, मैं जश को लेके काफ़ी ऑनेस्ट थी, मैं अपने गेम प्लान को लेके काफ़ी ऑनेस्ट थी एंड जिन्होंने मुझे नीचे नहीं खींच पाए, अपनी जगह पर नहीं ला पाए, वो ही यही सारी चीज़ें बोलते हैं एंड वो कहाँ है अभी और मैं कहाँ हूँ अभी, बहुत डिफरेंस है। तो या बिलीव करती हूँ मैं अपने खुद पर एंड जश पे, तो अच्छा ही चल रहा है सब। साक्षी आपकी जब सचिन आए तो काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी पर्सनल बातें निकली, चाहे दुबई वाली, चाहे डांस वाली, चाहे चिल्लाने वाली, काफ़ी कुछ,
तो जब ये सब फेस करना पड़ता है पर्सनली, तो ये गेम पे कितना इफेक्ट पड़ता है? ऑनेस्टली बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनकी पर्सनल लाइफ नेशनल टेलीविजन पे लाई जाए. एंड मेरे साथ वो एक बार नहीं हुआ है, 2 से 3 बार हुआ है. एंड हर बार मैं गिर के खड़ी हुई हूँ और मुझे खुद पे काफ़ी प्राउड फील होता है कि मैं वहाँ पर किसी के कहने पे गिरी नहीं या फिर रुकी नहीं. मैंने हमेशा अपने पे बिलीव किया और आज टिकट टू फिनाले मेरे हाथ पे है और मैं फिनाले पे खड़ी हूँ, सो अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. पहली बार काफ़ी कुछ तो कहना है ऑडियंस को, बट फिनाले का वेट करो. एंड आई होप आप लोग को फिनाले अच्छा लगेगा. अच्छे कंटेस्टेंट आए थे इस बार. एंड आई थिंक आई लाइक टू से कि हमेशा रियलिटी शोज में ऐसा होता है कि कभी कभी अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट्स जीतते हैं ताकि शो की नाम बढ़े, लेकिन वेरी रेयरली डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स जीतते हैं. तो इस बार आप देख लेना, इफ़ यू थिंक वी आर डिजर्विंग, इफ़ यू थिंक समवन इज डिजर्विंग, देख लो क्या होता है. बट आई फील लाइक द फिनाले एपिसोड हैज़ अ लॉट ऑफ ट्विस्ट्स, तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस. थैंक यू फॉर ऑल द लव. बट सबसे अच्छी बात ये है कि हमको 30 लोग थे जो हमारे अगेंस्ट थे, उनके अगेंस्ट खड़े होकर भी उनके अगेंस्ट फाइट करके फिनाले तक पहुंचना, वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए. तो यह हमारे लिए वही विन है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. नीचे नहीं रख, यहाँ पे थोड़ा पीछे जाइए ना भाई. घूम हटा, घूम हटा थोड़ा पीछे. अरे लाइट चालू करो. वो क्या बात है, लाइट बंद है. यहाँ पे नो यार, आई एम जस्ट गोइंग अप. लाइक आप हमको मिल चुके हैं स्पिट्स वाला की जर्नी, बहुत ही अमेजिंग भी है. शिनो शेर को एंड शेर नहीं को. सो व्हाट डू लाइक टू से अबाउट योर जर्नी? माय जर्नी इज़ ब्यूटीफुल एज यू कैन सी. आई थिंक इससे अच्छी और बेटर जर्नी मैं ना इमेजिन कर सकता हूँ और ना मैंने सोचा होगा. सो माय जर्नी वाज ब्यूटीफुल. हाउ वाज योर जर्नी? आई थिंक इट वाज अमेजिंग. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुए, बट द बेस्ट पार्ट वाज जो हमने कमाया जो कि है फ्रेंडशिप एंड हर्ष एंड जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उनसे मिलने का मौका मिला. तो आई थिंक वी ऑल आर ग्रेटफुल. हर्ष आपसे जानना चाहिए क्योंकि जिस तरह के शो है काफ़ी ऊंच नीच देखने को मिली, पर सुबह जब आई थोड़ा सा आप लड़का है फिर भी आप लॉयल रह के अपने कलेक्शन के पास थे, जब ये सब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो कैसा? नहीं सो मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं रुशाली को जानता था सिर्फ शो पे लाइक 5-6 दिन से, और शुभी को मैं बाहर से जानता था. सो मेरे लिए था जब शुभी ने आके मेरे को सारी बातें बताई कि रुशाली ऐसा कर देगी या छोड़ देगी, तो आई वॉज़ कन्फ्यूज. सो जो लव डेन में जो भी चीज़ें हुई वो हो गई, बट जब बाहर आए, जब आप थोड़ा टाइम और स्पेंड करते हो और आपको अपने पार्टनर के बारे में पता चलता है, फिर मेरे को लगा कि नहीं यार. और शी, आपने तो देखा होगा इतने ट्विस्ट टर्न मेरे अराउंड रिवॉल्व हुए जहाँ पर मेरी वीडियो दिखाई गई, एंड शी वॉज देयर. तो फिर सोच लिया ऐसा इंसान आपको जो बीच रास्ते नहीं छोड़ सकता वो कभी नहीं छोड़ेगा. रुशाली आपसे जाना चाहेंगे, ये शो में आपको भी काफ़ी बार रोते हुए देखा गया, लास्ट एपिसोड में ही देखा जैसे ब्लाइंडफोल्ड वाला टास्क था, आपको शिविर से उम्मीद नहीं थी बट उन्होंने आपको. बट आई थिंक मैंने वहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दिया था क्योंकि मैंने खुद ने अरबाज का नाम लिखा था, तो मेरा ये था कि इट्स जस्ट अ गेम, इट विल बी फेयर. तो शिविर से अगर आता, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था बट वो आया, तो आई वॉज, मेरा रिएक्शन था कि हाँ ठीक है इट्स अ गेम. बाकी सब लोग को लगा कि बहन बहन बोलते हैं, तो आई थिंक गेम में कोई भाई बहन नहीं होता है, एट दी एंड कोई एक जना जीतेगा. तो जब तक निभा सकते हो निभाओ, जब तक खेल सकते हो तो खेल. आपके अकॉर्डिंग से मतलब आपको अगर रैंक करना, लाइक जब तो आप आए हो जर्नी आपकी स्टिल चालू है, बट इफ आपको अगर गेम अच्छा लगा हो तो किस बंदे का गेम सबसे अच्छा लगा आप लोगों को? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हर्ष प्लेड रियली वेल. अगर आप बात हर्ष एंड आकृति, आई थिंक दे प्लेड रियली वेल. ऑब्वियसली तो खेलेंगे कि आपके कनेक्शन है, बट अदर देन हर्ष, आकृति प्लेड रियली वेल आई फील. एंड मेरे हिसाब से मैंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया. सो मेरे सो यही बात है कि कमिंग फ्रॉम अ नॉन रियलिटी बैकग्राउंड, जहाँ से मैं आता हूँ कि मैंने कभी देखा नहीं है ये शो, ना मैंने कभी वो रियलिटी शो जिया है, और बाकी जो लोग आए थे वो करके आए थे, उनको पता था कि ऑडियंस को क्या सुनना अच्छा लगता है, क्या वो देखेंगे. सो प्री प्लान्ड होता है, आपके दिमाग में आ जाता है. लेकिन अगर जैसे मैं अगर दूसरा रियलिटी शो करूं तो मुझे समझ में आएगा मुझे कितना बोलना है क्या नहीं बोलना. मैं बहुत रॉ था उस शो के लिए, एंड आई थिंक कहीं कहीं लोग ना मिसअंडरस्टूड करते हैं, एंड यहाँ फैंस हैं सबके तो फैन वॉर्स होता है, बट स्टिल अपनी जगह बनाना एंड लोगों के हिसाब से अगर आप उस दर दिख रहे हो, सो आई एम ग्रेटफुल कि मैं कर पाया. वेरी डिफरेंट फ्रॉम सोशल मीडिया, जो उसमें होता है वो बिल्कुल वैसा नहीं होता है. लाइफ इज वेरी
बट जैसे जैसे एपिसोड बाहर आ रहे थे वैसे वैसे आप लोगों के बारे में ये हो रहा था कि आपने आप इनको पहले से जानते हो शो में, और शो में आने के बाद कनेक्शन पहले से बाहर बन के आए हुए हैं, तो ये सब भी बाहर बात हुई थी उसके बारे में आपको कह रहे हैं। तो एक चीज़ शुभी के आने से अच्छी हो गई कि शुभी ने आगे ये बात बता दी थी कि हाँ मैंने हर्ष को बोला था मेरी रूम पार्टनर जा रही है, और हर्ष ने मना कर दिया था मिलने के लिए क्योंकि मुझे इमोशनल बैगेज नहीं चाहिए था, मुझे नहीं पता था कौन है ये लड़की और परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ऐसा ना हो कि बीच रस्ते में वो जाके ये बात बोल दे कि ये मेरे से बाहर अप्रोच करके आया था। सो मुझे ऐसा कोई इमोशनल बैगेज नहीं चाहिए था। नेचुरल हुआ तो अभी तक टिका हुआ है। ऑफकोर्स जाना चाहेंगे, ऑफकोर्स मेरे को ऐसा लगता है कि क्यों नहीं, अगर आप उस मुकाम पर पहुंचे हो कि जहां आपको देख रहे हैं, चाहे लोग हेट कर रहे हो चाहे प्यार कर रहे हो, लेकिन ऑफकोर्स जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वी लव यू। थैंक यू। तेरा बाल आ रहा है। गाइस बढ़िया मैम, आप सनी जी यहां पर सनी यहां पे सेंटर में। अरे मोबाइल सनी चलो ना भाई, थोड़ा लोग सेंटर। सनी जी यहां पर, सनी जी यहां पे देखिए ना, एक मिनट सनी जी आप सामने सामने मोबाइल सेंटर में। सनी मैम मोबाइल पीछे सुनो, उधर मोबाइल आ रहे यार। सनी जी आप देखिए ना कैमरा, बैठ बैठ बैठ, रुक रुक रुक, फोटो वाला कैमरा देखिए, सेंटर वाला कैमरा देखिए। एक मिनट सनी जी यहाँ पे थोड़ा, अरे कितना बजे यहाँ पे कौन सा पैर छटा यार, मैंने भाई पैर छटा ना यार।